पाकिस्तान का प्रेसान से पीपी 144 के संस्वास्थ्य आला डॉक्टर तरुण सालिक साहेब अल खतीब नमस्ते सीके शाहिन हुसैन गुरबेजी साहेब मसर की इंतजामिया कारकुनान तहरीक लबैक पाकिस्तान कबला हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम सफदरबाद की सरजमीन पर जामिया मस्जिद खालकिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बेकसबना में नमाज जुमा मुबारक अदा करने के लिए यहाँ हाजिर है। आज मुल्क पाकिस्तान को बने हुए 76 साल 5 माह और 11 दिन हो चुके हैं। आज 12वां दिन है। आप और मैं यहां मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने के लिए आते हैं। इससे पहले अरसा दराज गुजरा है, वादी के तरीकों से अगर छान के देखें तो एक जगह यहाँ गालबन जुमा तो मुबारक की नमाज अदा करने के मौके पर मैं शायद उस वक्त भी पाकिस्तान से उस वक्त नहीं जो आज तो माशाल्लाह मस्जिद अपनी आबोताब के साथ डबल स्टोरी के साथ और आरायश के साथ अपनी आबोताब के साथ रोशनी लाइटें सफेद टालों पे अपनी चमक मुनक्स करके और भी इसकी चमक में इजाफा कर रही है। आज तो पहले 50 साल पहले 70 साल पहले 80 साल पहले सदी पहले मसला ही सूरत आ रही नहीं सी। कई मेरे हम लोग इसका तो बखूबी आगाह होंगे मसला जब दब फर्श कच्चे होंगे सर पिंडा जो जिस मसले की फर्श लोग बड़े फख्र महसूस करते सन मस्जिद पक्की बन जाती सी लोग खुशी का छाला मारते सन मस्जिद से गालिबन मेरी दानिश के मुताबिक कोई करोड़ के करीब लगभग खर्च अगर इस नाल की मस्जिद तैयार करिए तकरीबन 1 करोड़ रुपया खर्च इतनी शानदार मस्जिद बना के मस्जिद खूबसूरत कुमकमे लगा के ऐसी ना भी होने फिर किस वक्त नमाजी कहेंगे भाई कौन मस्जिद बन चुकी है कुमके लग चुके हैं अपार्टमेंट क्या होया कौन मसाइल पैदा करिए और फंड दियो चंदा दियो मस्जिद एसी का इस्तेमाल करिए एक नहीं दो तीन चार ये सारा इस्तेमाल करने के बाद अखराजात करने के बाद अगर मस्जिद घोड़े खोते बंद जाए बंदा लिया के मंगते
शाहजा चौधरी बड़े तो बड़ा चौधरी जिन तुझे समझो जनाब ओदे के बंदा बोलता ही पड़े ओ वक्त दा फिरौन है वक्त दा यजीद है वक्त दा नमरूद है उन्हें ले आके बंद तेरे अपने जानवर बंद तेरे ओदी हवेली टह गई है उन्हें मज्जा ले आके बंद दितियां ने गांव जा के बंद दितियां जनाब बार सर्दी लगदी है डंगर मारने ने तुहानू वारा खा जाएगा इसलिए कि ये मसले अल्लाह का घर है मसले जानवर बांधने के लिए नहीं मसले नमाजें पढ़ने के लिए वो मुल्क पाकिस्तान जिसको हमने लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया था लोग कहते 14 अगस्त था हालांकि उस दिन रमजान शरीफ का महीना था 27वीं रात थी लैलतुल कदर की रात थी कहीं नाच गाना नहीं था ड्रामा नहीं था फिल्म नहीं थी हर मस्जिद में कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी मस्जिदों में नमाज तरावी पढ़ी जा रही थी शबीने हो रहे थे पूरे बड़े सगीर में कुरान मजीद की तिलावतों की आवाज आ रही थी उन कुरान मजीद की तिलावतों में रात के वक्त मुल्क पाकिस्तान बना है और अगला दिन जुमातुल विदा का दिन था ऐसा शानदार इतना ताबनाक मंदिर इतना आबदार मंदिर पूरी कायनात में मदीने पाक के बाद पूरी कायनात में ऐसा कोई मुल्क नहीं बनते वक्त जिसके बनते वक्त पुराने मजीद की पूरे मुल्क में तिलावत हो रही हो शबीने हो रहे हो नमाज तरावी हो रही हो और अगला दिन जुमातुल विदा का दिन हो रात 12 बजे ऐलान हुआ था हजरात ये रेडियो पाकिस्तान ना खलोना या खलोना ये बात की गल है दीन की खातर कड़िया लवाना या ना लवाना ये बात की गल है दीन की खातर जेल जाना ते जाके एहसान ना जतलाना ये बात की गल है सिर्फ गुजारिश है अगर कोई शख्स दीन की खातर मार ना खा सके एक पेड़ भी ना खा सके एक शैल भी ना खा सके एक गोली भी ना खा सके सिर्फ मैं दस्तबस्त इन गुजारिश करना क्या हजरत बिलाल का नाम लैण का हकदार है कि नहीं दीन की खातर मौला कायनात एक मरतबा हुजूर अल्लाह सलाम ने कहते चढ़े नहीं ना एक मरतबा फतेह मक्का के मौके पर क्या बुत उच्चे ने गुबल वगैरह मौला कायनात हुजूर अल्लाह सलाम ने फरमाया थे खड़े हो गए लोग कहा एक मरतबा चढ़े और जो चढ़े हुए सर ऊपर नबी अलैहि सलाम के कंधा मुबारक थे हुजूर अल्लाह सलाम ने फरमाया कि अली कितने पहुंचे हो अली कितने पहुंच रहा छत तक उबल तक बुता तक उन गिरा रहे ने हुजूर अल्लाह सलाम ने फरमाया अली कितने पहुंचे हो आपने अर्ज की थी हुजूर या रसूल अल्लाह लौ शेता लनिल तो फकस्तवा या रसूल अल्लाह अगर आप चाहे तो मैं आसमान के किनारे को छू सकता एक मरतबा मौला कायनात एक ताजदारे खत्म नबूवत मौला कायनात एक बार हुजूर के कंधे पे चढ़े और इमाम हुसैन इमाम हसन अलैहि सलाम और इमाम हुसैन अलैहि सलाम 7 साल मदीने पाक दी गलियां च हुजूर के कंधे ते बैठ के मदीने पाक दी सैर करते जिस कुरान जिस सीने ते 30 बारे कुरान नाजिल होया उस सीने मुबारक ते हसनैन करीमैन के पैर टच करते रहे और मस्त होते रहे जिनके अबरू के इशारे पे कायनात का निजाम हरकत करता है वो इमाम अलिया शहजादों के कहने पर जिधर चाहते थे मुड़ जाते थे
लेकिन जब दीन से मुश्किल वक्त आया ऐसे गल नहीं कोई ना जी वो जनाब वड्डे ने वो वड्डिया वड्डिया दी औलाद की ने वो जी वड्डिया दी औलाद है वो तो सैयद ने जी भाई सैयद होवे ते बेगैरत होवे फिर भी सैयद ही है सैयद होके क्यों लीग का साथ देवे काफरी का साथ देवे फिरिए का साथ देवे आलम कुफर दे कुफरिया एजेंडा का साथ देवे ते दीन दे नाल खड़ा ना होए वो सैयद होए हाफिज़ कुरान होए शेखुल हदीस होए शेखुल कुरान होए भाई तेरी ते गल ही कोई नहीं ना तेन ते पहला कलमा नहीं आउंदा तेरी कहड़ी गल है तेन ते कुल वल्ला नहीं आउंदी तेन ते दुआ कनूत नहीं आउंदी मैं तो उन्होंने लोगों की गल करना जो शेखुल हदीस ने शेखुल कुरान ने कारी ने सादात किराम ने सजादा नशीनान ने मैं उन्होंने गल कर रहा अगर वड्डे वड्डे की औलाद हो के इकबाल कहता यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो नहीं जनाब साड़ियां मजबूरियां ने नबी अलैहिस्सलाम नाल वध कोई मजबूरी है नहीं जनाब असी दुआ खैर कर लीए कुरान से हाथ रख लिया तू कुरान का हामी की तू कुरान की कदर कर रहे क्या मुल्क पाकिस्तान थोड़ा देखो चेहरा काबे शरीफ वाले मेरा चेहरा थोड़े वाले थोड़ा चेहरा काबे शरीफ वाले क्या मुल्क पाकिस्तान आलम कुफर दे कुफरिया निजाम वास्ते बने हैं नून लीग की हुकूमत वास्ते बने हैं काफरी वास्ते बने हैं पीपल पार्टी वास्ते बने हैं मुल्क पाकिस्तान बना ही निजाम मुस्तफा के लिए पीपल पार्टी का उद्देदार ही बंदा मोमे ने वही मस्जिद का इंतजामिया का वही हक है
और किसी ने कोई हक नहीं। कलमा नबी अलैहिस्सलाम दा भाई, इसके बाद आप हजरात को मुकम्मल इजाजत है। आप अगर चाहें कि मेरी बात कोई गलत है तो आप किसी डेरे पर मुझे बुला के मुझसे बात आप कर सकते हैं। आप मैं टेबल टॉक पर यह साबित कर दूंगा कि दीन इस्लाम के साथ कौन है और आलमे कुफर के कुफर या निजाम के साथ कौन है। नू लीग अगर इस्लाम दे हुजूर दे आशिक ने जाती उम्र जाके जरा प्रोग्राम करके आप कहेंगे जी आप यहां शाह साहब आपने जरा थोड़ी वजह तो चुप कर गए हैं। खड़े होना फिर गल करनी मसले खलोगे। पूरी पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को नून लीग कावली पीटीआई उन्होंने को गल ही कोई जी मसले कर। मैं तो मिंबर से बह के कर रहा, मैं मिंबर से बह कर रहा। और उस वक्त जो पाकिस्तान बन रहा है उदो भी इकबाल ने कहा कि सरूद, मैं वो तफसील नहीं जाना चाहता, सरूद बरसरे मिंबर कि मिंबर से शोर बचा हुआ है कि मिलत अल वतन अस्त जे बेखबर जे मकाम मुहम्मद अरबी। इमाम इकबाल ने कहा कि ये लोग शोर मचा रहे हैं। जनाब हिंदुस्तान पूरा मुल्क इस तरह सलामत रहेगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा। नारा लग रहा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। और वो जनाब उधर कह रहे सन कि नहीं जनाब असि कलमा से बेशक पड़े ऐसी मुसलमान हाँ लेकिन पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये मिल्लत अज वतन अस्त मिल्लत जड़ी है कौम दीन वतन नाल है। वतन कायम रहेगा तो दीन रहेगा, दीन वतन नाल है। और एक अलावा एक बात नहीं, दाढ़ी रख के एडी एडिया बड़िया दाढ़ियां रख के लोग कह रहे सन ते मिंबर जिथे मैं बैठा इस मिंबर रसूल ते गांधी बह के सदारत करता सी, उलामा ने बुलाया नेहरू बह के सदारत करता सी। अज गांधी नहीं नेहरू नहीं, अज उहदे एजेंट ने रूप बदल गया। गांधी अपना रूप बदल गया, नेहरू अपना रूप बदल गया। गांधी भी दीन का दुश्मन सी, पाकिस्तान का दुश्मन सी, इस्लाम का दुश्मन सी, नेहरू ही दुश्मन सी। ते हुण दे एजेंट भी तो इस्लाम के दुश्मन ही ने। अगर इस्लाम के सज्जन ने फिर फैजाबाद जो 2017 धरना होया सी ते पूरे मुल्क दी आवाम बाहर सी, हर पट्ठे वड्डे वाले बंदे ने भी हर अनपढ़ बंदे ने भी बाहर निकल के पूरे आलमी कुफर नूं ते आलमी कुफर दे एजेंटां नूं दस्सिया कि नमाज पढ़ना सानूं सही नहीं आउंदी, कुरान मजीद सही पढ़ना नहीं आता, लेकिन असीं अपने नबी की खातर ते खतबे नबूवत दे तहफ़ुज़ की खातर नामू तेरे साल की खातर असीं अपनी जाना कुर्बान करना चाहते। अगर हुजूर तक नहीं पहुंचा नबी अलैहिस्सलाम नाल वफादार नहीं
ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਲਮੇ ਕੁਫਰ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਵਕਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਕਾਬਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਮੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਕਾਫ ਲੀਗ, ਪੀ ਟੀ ਆਈ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, 27 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤਿਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਰੂਸ ਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਦੀ ਰੂਸ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਖਾਲਿਫ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸਾਰਾ ਚੌਕ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਰਹਿਮਤ ਆਲਮੀਨ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਤ ਪੱਤ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਜੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਜੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਫਿਆ ਤਿੰਨ ਕਰੀ ਲੈ,
ਗਲਬਤ ਫਿਆਦਨ ਕਸੀਰ ਅਦਮ ਬੇਜ਼ਰਿਲਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਨ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਐਨ ਸੀਨੇ ਚੌੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ इसको क्या समझेंगे बेचारे दो रकत के इमाम दी नाठी जिहड़ी जुमा पढ़ना साल बाद ईद पढ़नी है उन्हें नहीं पता भी दीन की है इत्थे आयत ने मशहूर मारूफ आयत ने बीमार सबना कहिंदा रहमतुल आलमीन यह आयत का एक हिस्सा लिख दी है ना जी उन्होंने कवी अल्लाह पढ़ पढ़ उर्दू नहीं पढ़ेगा भाई पता नहीं पता जबर आनी है कि जेर आनी है जेर आनी है कि पेश आनी है पेश आएगी तो फिर माना की बनेगा तो जबर आएगी फिर माना की बनेगा फिर गल कर कि हम भी आशकर भी दीन नू जानने जी तुसी दीन नू बड़ा जानते हो दीन दे मुहाफिज़ अगर मैदान च आ जाए तो गोलियां मारते हो तुसी दीन नू इन्ना कुछ जानते हो दीन दे मुहाफिज़ अगर मैदान च आ जाए तो 54 बंदे मार के 1,03,000 बंदा गिरफ्तार करके जेलों च पाते हो यह दीन की हिफाजत भाई तहरीक अल हबीब पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में हुजूर अलैहिस्सलाम का निज़ाम चलता है आप इस वक्त मस्जिद में हाजिर हैं काबे शरीफ की तरह मुंह है आप हाथ खड़े करके इस बात की तायिद करते हैं कि हम आप हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन चाहते हैं तख्त पर निजाम मुस्तफा चाहते हैं या अंग्रेज का निजाम चाहते हैं हाथ खड़े करके अगर आप निजाम मुस्तफा चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर दें दीन आए पाकिस्तान सिर्फ निजाम मुस्तफा चाहती है हर शख्स को उसके दरवाजे पे इंसाफ दिलाना चाहती है दौरे फारूकी को फिर लौटाना चाहती है जाती नबूत और नवाज की जंग नहीं जाती मुफादात की जंग नहीं देखो जी मौलवी मुल्क चला लेंगे भाई तुझी स्पीकर बंद कर दो स्पीकर चलाओ तो दहशतगर्दी के परचे स्पीकर बंद हो मौलवी चंदा ना मंग सकन फिर भी 1,500 तालिबे इल्म पढ़ रहे हो तो मदरसे चला सकते हैं तो फिर मुल्क भी चला लेंगे तो मुल्क कयामत तक भी नहीं चलना कोई सियासी पार्टी नून लीग कावली पीटीआई आलम कुफर की एजेंट कोई सियासी पार्टी मुल्क पाकिस्तान नहीं चला सकती इसलिए कि तुम सूद पे पैसे लेते हो सूद के साथ कोई जमात मुल्क पाकिस्तान को चलाने वाली जमात भी तबाह हो जाएगी मुल्क का निजाम भी तबाह हो जाएगा मईशत भी तबाह हो जाएगी अगर मुल्क पाकिस्तान को सही मानों से चला सकते हैं तो वो हुजूर के गुलाम चला सकते हैं ते बाबे ने पहले ही ऐलान किया सी भाई अगर साड़ी हुकूमत आ गई तो असा कहना कर्जा असा नहीं देना सूद असी नहीं देना कर्जा देंगे जो पैसे हो बस सूद असी नहीं देना ए हूं जमा तफरी करो ना जी किन्ने अरबा खरबा किस जा रही है सूद की तो लोग बेचारे मर रहे हैं अगर इस नहीं मरना है फिर आलम कुफर के साथ खड़े हुए रहो भाई अगर आप मुल्क पाकिस्तान की फलाह चाहते हैं अपनी बेहतरी चाहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने आप को सुरखरू करना चाहते हैं तो आप फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के निज़ाम को के निफाज के लिए नबी अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ दें आपको मुझे अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के दीन का साथ देने की तौफीक नसीब फरमाए ते नाले ए गल पक्की है कि शेर ते मोर लांदियां लूंबड़ ते मोर लांदियां तीर ते मोर लांदियां किसे नहीं देखना बूथ ते बंदा कभी होंदा नहीं मोर लांदियां वोट पांदियां तीर ते मोर लांदियां बल्ले ते मोर लांदियां शेर ते मोर लांदियां ओ जनाब किसे गिदड़ ते मोर लांदियां किसे नहीं देखना लेकिन क्रेन ते मोर लांदियां ताजदारे मदीना देख रहे होंगे कि मेरी दीन की खातर वोट दे रहा मेरे नाल खड़ा है जिंदाबाद
निकले बई पाकिस्तान के लोग बार बार हा जेल जाके नजरबंद होके कड़िया लवा के छल खा के गोलियां खा के अज भी मैदान अमल हुजूर अलैहिस्सलाम दे दीन दे नाल खड़े ने। आप हजरात की खिदमत गुजारिश है कि वैसी दे मुसलमान ये बहाना केड़ा है, मैं कुरान चुकया है ते जिदी मैं गल कर रहा पे साहिब कुरान है। तू केड़ा कुरान चुके है? जिस दीन की मैं गल कर रहा, जिस जात की मैं गल कर रहा वह साहिब कुरान है। अल्लाह ताला सानू सब नूं हुजूर अलैहिस्सलाम दे दीन दा साथ देने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम नाल और आप दे दीन नाल सानू सब नूं पूरी उम्मत नूं वफा करन दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।